मोरक्को की। भूकंप में अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन, ब्रिटेन और कतर की टीमें भी कर रही है बचाव कार्य। मोरक्को में 6 दशकों बाद आए सबसे घातक भूकंप के 58 घंटों से भी ज्यादा समय के बाद बचावकर्मी मलबे में जीवित बचे लोगों को खोजने में कल से ही मेहनत करते हुए दिखे। जबकि हाई एटलस पर्वत के गांवों को तबाह करने वाली इस भीषण आपदा में लगभग 3000 लोगों के मारे जाने की आशंका अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जता रही हैं। आपको बता दें, भूकंप पीड़ितों को बचाने के लिए स्पेन, ब्रिटेन और कतर की खोजी टीमें जीवित बचे लोगों को खोजने के प्रयासों में लगातार जुटी हुई हैं। जो लोग बचे हुए हैं, कई लोगों ने तीसरी रात बाहर सड़कों पर बिताई। सरकारी समाचार एजेंसी ने मंगलवार को मृतक संख्या 2862 बताई है और 2562 लोगों को घायल बताया है। इनमें कई दुर्गम क्षेत्रों में बचावकर्मी पहुंच ही नहीं पाए हैं, इसलिए मृतकों की संख्या अभी और बढ़ेगी। भूकंप पीड़ितों को बचाव नहीं मिल पा रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। 36 साल की यासीन नौमघर ने पानी, खाना और बिजली की कमी की शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें अब तक बहुत कम सरकारी सहायता मिल पाई है। नौमघर ने कहा कि हमने सब कुछ खो दिया, हमने पूरा घर खो दिया, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार मदद करे। कर्मचारियों के मुताबिक 25 शवों को गांव के छोटे क्लिनिक में लाया गया, लेकिन रखने की जगह नहीं है। WHO ने कहा है कि इस आपदा से 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। स्पेन ने कहा कि 56 अधिकारी और 4 खोजी कुत्ते मोरक्को पहुँचे हैं, जबकि 30 लोगों और 4 कुत्तों की दूसरी एक टीम वहां जा रही है। ब्रिटेन ने बताया कि 60 खोजी और बचाव विशेषज्ञों और 4 कुत्तों के साथ साथ 4 व्यक्ति चिकित्सा के लिए वहाँ तैनात किए गए हैं। कतर ने भी बताया कि उसकी खोजी और बचाव टीम मोरक्को के लिए रवाना हो गई है। भूकंप से सबसे ज़्यादा नुकसान हाई एटलस पर्वत की घाटियों में बसे गांवों को हुआ है। पहाड़ का मलबा नीचे आने से कई गांव खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इनमें अभी भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हो सकते हैं। सड़क मार्ग बाधित होने से बचाव दल हेलीकॉप्टर से इन गांवों में पहुंच रहे हैं, इसलिए बचाव दल पहुँचने की गति धीमी है। आपको बता दें कि राहत दल सुविधाओं से जुड़ी कई तरह की सामग्री लेकर पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन पीड़ितों की बड़ी संख्या को देखते हुए ये राहत सामग्री अभी ऊंट के मुंह में जीरा बनी हुई है। पीड़ितों के बीच खाना, पानी, टेंट और कंबल की भारी कमी देखने को मिल रही है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान प्राचीन मार्केट शहर में हुआ है। प्राचीन शहर का बड़ा हिस्सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और उसे भूकंप से भारी नुकसान हुआ है। संजो कर रखी गई तमाम प्राचीन इमारतें जमीन हिलने से धराशायी हो गई हैं। किंग मोहम्मद 6 ने प्रधानमंत्री को बुलाकर पीड़ितों की सुविधाओं के संबंध में बात की है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।